हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहित लॉजिटेक ज्ञान। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप काइनमास्टर में डिसअपीयरिंग इफेक्ट आराम से लगा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पहली चीज़ है आपका स्मार्टफोन और दूसरी चीज़ है मोडेड काइनमास्टर। दोस्तों अगर आपके पास मोडेड काइनमास्टर अवेलेबल नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस सब के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो कैसे एडिट करनी है। तो आपने शुरुआत में सैंपल वीडियो तो देख ही लिया होगा। सेम आप अगर ऐसी ही वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप जो है और जब आप अपना काइनमास्टर ऐप खोलेंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। बट याद रखिए आपके काइनमास्टर जो है वो मोड काइनमास्टर होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसको जब आप पहली बार खोलेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। फिर उसके बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यूट्यूब का रेशियो ले लेना है 16:9। अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब सिंपल आपको करना यह है जो आपने वीडियो बनाई थी, ठीक है ना, वो वीडियो आपको यहाँ पर लेनी है। अब मान लीजिए जो मैंने वीडियो यहाँ से कैप्चर करी थी वो वीडियो मैं यहाँ से अपनी ले लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने ये वाली वीडियो ले ली है। अब इसमें आपको करना क्या है, जो आपका अननेसेसरी पार्ट है उसको आपको यहाँ से निकाल देना है। अब देखिए ये वाली ऐसी वीडियो शुरू हुई है। अब यहाँ पर देखिए बस मुझे इतने तक की चाहिए वीडियो। अब यहाँ तक की पूरा लास्ट तक चल जाने दीजिए, आप देख लीजिए कैसे क्या बनता है। अब ये समझ लीजिए यहाँ से वीडियो हमारी स्टार्ट होती है। अब ये देखिए यहाँ पर गए, यहाँ पे इसने कपड़ा फेंक दिया, अब यहाँ तक की आ गया। मुझे अब क्या करना है, यहाँ तक की इसको ट्रिम कर लेना है। मान लीजिए यहाँ पे गए और इस पर एक बार जब आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको कैंची का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप इसको तोड़ लीजिए, स्प्लिट कर लीजिए, फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में जैसा सीनरी पीछे है वैसी ही सीनरी आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेनी है। जैसे मान लीजिए ये वाली सीनरी है तो इसकी एक स्क्रीनशॉट एक फ़ोटो लेनी है। इसको लेंगे कैसे, एक बार सिंपल आप इस पर क्लिक कर दीजिए और ये आपको रेक्टेंगल फॉर्म में दिख रहा होगा, इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, कैप्चर एंड सेव फ्रेम एट प्ले हेड, आपको ये वाली लेयर पर क्लिक कर देना है पहले ऑप्शन पर। इससे दोस्तों होगा क्या, जो आपकी सबसे लास्ट की फ़ोटो है जो हम बैकग्राउंड में लगाने वाले हैं वो आपकी कैप्चर होकर गैलरी में सेव हो जाएगी। अब इसको आपको क्या करना है, कर देना है डिलीट, क्योंकि मुझे सिर्फ इतनी ही क्लिप का काम है। अब देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर इसने फेंक दिया। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें लगाना है ग्रीन इफेक्ट। अब ग्रीन इफेक्ट तो हमारे पास आया नहीं, तो हमको क्या करना है, सिंपल हम एक बैकग्राउंड यहाँ से ले लेते हैं, कोई भी बैकग्राउंड ले लीजिए, किसी भी कलर का ले लीजिए। बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप वाइट कलर ही लीजिए, क्योंकि इस पर कोई भी कलर लगाने में आसानी होती है। अब मान लीजिए मैंने वाइट कलर ले लिया, अब यहाँ ये आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप ग्रीन इफेक्ट आराम से ले सकते हैं। ये लीजिए ग्रीन इफेक्ट ले लिया, अब ये देखिए ग्रीन हो गया कपड़ा। अब आपको करना क्या है, ये पूरा इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर लीजिए, इतना बड़ा कर लीजिए और इसको कर दीजिए नीचे। अब जैसे जैसे ये बढ़ता जाए, कपड़ा ऊपर उठता जाए, वैसे वैसे इसको भी आपको ऊपर उठाना होगा। फिलहाल एक बार देख लेते हैं हम कैसे क्या होता है। ये देखिए यहाँ तक ही उठा और इसके बाद मुझे लगाना है। अब इसमें क्या करना है देख लेते हैं एक बार। ये अब यहाँ पर शुरुआत से हमें करना क्या होगा, आसानी एक चीज़ होगी कि हम यहाँ पर एनिमेशन एक क्रिएट कर देते हैं। एनिमेशन क्रिएट करना मैंने आपको बताया, अगर आपको नहीं पता है तो पूरा ट्यूटोरियल एनिमेशन का मैंने बना के रखा है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप पूरा ट्यूटोरियल देख लीजिए कि कैसे एनिमेशन लगाया जाता है काइनमास्टर में। तो एनिमेशन करने के लिए यहाँ पर सिंपल आपको क्लिक करना है। अब जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जाए वैसे वैसे आपको ये क्लॉथ भी बढ़ाना है, ये ग्रीन इफेक्ट भी बढ़ाना। मान लीजिए मुझे यहाँ तक के लगाना है तो सिंपल आपको क्या करना होगा, इसको धीरे धीरे उठाना है और यहाँ पर लाके छोड़ देना है। अब ये देखते हैं हम लोग का ग्रीन इफेक्ट कैसा तैयार हुआ। अब इस पर क्लिक कर दीजिए आप, सॉरी ये पीछे आ गए। अब आपको क्या करना है, इसको क्लिक करके देखना है क्या होता है। देखिए जी अब एक एनिमेशन हमारी वीडियो पे लग गया है। फिलहाल मैं आपको एज ए सैम्पल बता रहा हूँ, अगर आपको करना है तो आप जब प्रोफेशनली करेंगे तो और अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ तक की देखिए ये वाला आ गया, इसके आगे और अभी ऊपर बच रहा है, तो इसके आगे एक आपको और बैकग्राउंड लेनी होगी।
अब फिर से आप वाइट बैकग्राउंड लीजिए और इसको कलर कर दीजिए इस कलर से ग्रीन इफेक्ट, और फिर से आप यहाँ पर एक और ग्रीन इफेक्ट लगा दीजिए, जिससे क्या होगा एक और ग्रीन इफेक्ट लग जाएगा। अब देख लीजिए, अब फिर से एक बार देखते हैं कैसा होता है। देखिए दोस्तों, मेहनत तो करनी पड़ेगी एक दो बार, फिर आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया है, अब ये देखिए ये यहाँ पर भी एक बार मुझे लगाना है, तो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पीछे ले आता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब ये देखिए हल्का सा और इधर आ गया, अब यहाँ पर देखिए क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, लगकर हम लोग का ये तैयार हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मान लीजिए ये वीडियो है, अगर आप इसको शांति से बैठकर बनाएंगे तो और अच्छा बनके तैयार हो जाएगा। अब जितना अननेसेसरी पार्ट है हम लोग का, उसको हम काट देते हैं। तो यहाँ पर ट्रिम टू राइट प्लेहेड पे करना है, तो राइट का पार्ट पूरा चला जाएगा। अब मान लीजिए ये वाली इफ़ेक्ट है हम लोग के पास, अब इसमें क्या करना है, सिंपल आपको ये वाली वीडियो उठाकर इसमें शेयर पे जाना है और इसको कर लेना है डाउनलोड। अब यहाँ पर देखिए बहुत 2 MB की आ रही है, तो इसको आपको क्या करना है, बिटरेट फुल कर देना है, इससे थोड़ी आपकी वीडियो और अच्छी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसको कर लेना है एक्सपोर्ट। अब ये आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी डाउनलोड होता है। दोस्तों ये मोड काइनमास्टर बहुत ही अच्छा होता है। पहले के काइनमास्टर में क्या होता था, एक्सपोर्टिंग के लिए दिक्कत होती थी, फाइल एक्सपोर्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, बट इसमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो ये देखिए, ये हम लोग की एक बन गई और वीडियो हो गई है डाउनलोड। अब हमको क्या करना है, फिर से वहीं शुरुआत से आना है और फिर से आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके 16:9 का आपको ले लेनी है स्क्रीन। अब सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ मीडिया पर जाके आपको वो जो मैंने शुरुआत में फ़ोटो खींची थी ना बैकग्राउंड की, वो वाली फ़ोटो आपको लेनी। अब देखिए यहाँ पर कैप्चर के बटन में आपको दिख रही होगी फ़ोटो, वो फ़ोटो उठा के आप यहाँ पर ले आइए। अब देखिए फ़ोटो थोड़ी बड़ी कर लीजिए, ये आपकी आ गई बैकग्राउंड। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फ़ोटो होती है ये मूव फॉर्म में लगी होती है, तो आपको इसको रोकना होगा। देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ से चल रही होगी, बाय डिफ़ॉल्ट काइनमास्टर पे ये लगा होता है मूविंग इफेक्ट, तो इसको आपको क्या करना है, रोकना है। तो सीधे एक बार आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको क्रॉप का बटन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आकर आप इसको कर दीजिए बराबर, इक्वल टू के निशान पर जब आप क्लिक कर देंगे तो ये इमेज वहीं पर ठहर जाएगी, यानी रुक जाएगी। अब देखिए ये मूव नहीं कर रही है, इतना सा आपका हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो वही वीडियो डाउनलोड करी है वही वीडियो आपको फिर से वापस लानी है। अब क्या करेंगे, आप इसको लाएंगे लेयर पे, क्योंकि दोस्तों लेयर पे ही वीडियो का हमें क्रोमा की प्राप्त होती है। अगर क्रोमा की लेनी है तो लेयर पे ही वीडियो को मिलेगी, अगर इमेज लगाएंगे तो उस पर क्रोमा की आपको नहीं मिलेगी, वहाँ से आप क्रोमा इफेक्ट नहीं हटा पाएंगे। तो उस पर इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए हम लोगों ने वीडियो एक्सपोर्ट करी थी तो ये वीडियो आ गई है हमारे पास। अब इसको आपको क्या करना है, ये वीडियो हम लोगों ने ली थी, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल जाना है और इसको यहाँ पर फिट कर देना है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इसके बराबर बिल्कुल लाके या बराबर लाइए, ये जो बॉक्स दिख रहा है इसको बॉक्स पे पूरे पे क्लिक कर दीजिए, ये पूरे पे आ जाएगा, पूरी स्क्रीन पे बैठ जाएगा, सेट हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, फिर से प्ले करना है, ये देखिए प्ले हो रहा है, ये देखिए ठीक है ना। इसको जब आप आराम से बैठकर बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनकर तैयार होगा आपका क्रोमा की। अब दोस्तों हमें क्या करना है, नीचे वाली लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए क्रोमा की नज़र आ रही होगी, आपको इस पर करना है क्लिक। अब यहाँ पर इसको कर देना है आपको इनेबल, इसको आपको इनेबल कर देना है। अब ये देखिए इनेबल हो गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए साफ़ सुथरी अगर नज़र आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो यहाँ पर आप इसको सेट भी कर सकते हैं अगर कुछ गड़बड़ दिखाई देता है। अब एक बार हम इसको चला के देखते हैं, ये देखिए कितने अच्छी तरीके से वीडियो हम लोग के तैयार हुए। बट आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, आपका जब आप वो वीडियो बना रहे हो तो आपका कैमरा स्टेबल होना चाहिए। मेरे से यही गलती हो गई थी कि जब बना रहा था तब मेरा कैमरा जो है हिल रहा था, सिक कर रहा था, इसीलिए थोड़ा बैकग्राउंड मेरा सही नहीं आया है। तो आप लोग को क्या करना है, प्रोफेशनली तरीके से अच्छा सा कैमरा लेके कहीं पर टिका देना है जो हिले ना, बैकग्राउंड आपका सेम ही आना चाहिए, तभी आपकी अच्छी सी एनिमेशन बनकर तैयार होगी, अच्छी सी वीडियो बनकर तैयार होगी। अब देखिए फिलहाल तो आराम से बनाया है तो अच्छी आई है, अगर और अच्छी तरीके से आप टाइम निकाल कर बनाएंगे तो और अच्छे से बन सकती है। अब देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये तैयार होगा। अब इधर वाला अननेसेसरी पार्ट जो है इसको हम हटा देते हैं, तो आपको जाना है कैंची का ऑप्शन पर और इसको कर देना है कट। अब देखिए ये हम लोग की वीडियो तैयार हो चुकी है, इसको आप एक बार और देख सकते हैं।
ये देखिए, ठीक है ना। अब ये पीछे बैकग्राउंड हिल रहा होगा, इसको आपको क्या करना है, वही आपको कैमरा अपना स्टेबल रखना है जब आपको वीडियो बनानी है। अब सिंपल आपको क्या करना है, और यहाँ से कर देना है इसको क्लिक। अब यहाँ से देखिए बिट रेट जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतनी ही बड़ी वीडियो आएगी, तो आप चाहें तो बिट रेट कम भी कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई बड़ी वीडियो नहीं इसलिए आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे इतने पर करना है, कम पे करना है, मैं फ़िलहाल तो बड़ी वीडियोज़ को 3 या 4 Mbps पर करता हूँ, मुझे इतने पर करना है। अब ये मैंने कर दिया एक्सपोर्ट। अब दोस्तों देखते हैं हम लोगों की वीडियो कैसी तैयार हुई है। ये देखिए दोस्तों, फ़िलहाल तो वीडियो अच्छी तैयार हुई है, बट मैं आपसे फिर से कहता हूँ आप टाइम निकाल कर दीजिए, आपकी वीडियो और भी अच्छे से तैयार होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर देने का प्रयास ज़रूर करूँगा। और अगर आपको काइनमास्टर के बारे में और भी कुछ जानना है तो ऊपर आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी काइनमास्टर से जुड़ी हुई सारी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप उस पर जाकर काइनमास्टर की जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं उनको आप देख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलते हैं दोस्तों, थैंक यू।